हेलो डी स्टूडेंट्स मेरा नाम है गुंजन शर्मा फ्रॉम पीएसपीडी डिवीजन आज हम डिस्कस uh, करने वाले हैं सीयूईटी के एग्ज़ाम के बारे में सीयूईटी और एग्रीकल्चर क्लियर है अभी तक हम लोग बहुत कंफ्यूज थे आईसीआर का एग्ज़ाम कब आने वाला है उसकी डेट क्या है उसके फॉर्म्स कब आने वाले हैं उसका सिलेबस क्या है हम सभी स्टूडेंट्स uh, uh, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थे लेकिन अब एक बिग अपडेट आ चुका है कि सी सीई ने जितनी भी एग्रीकल्चरल एग्जाम एग्जाम की सीट्स है जो आई की सीट्स हैं वो सभी को एडॉप्ट कर लिया है तो हाँ आइए हम जानते हैं कि इंफॉर्मेशन बुलेटिन में क्या क्या दिया हुआ है क्लियर है देखिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे सीई ई टी आई सी आर यू जी 2023 क्लियर है तो एकेडमिक ईयर 2023 और 2024 के बारे में अगर बात करें तो सीई टी का एग्जाम कराएगा एन ने बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन दी है कि सीवीटी ही आई का एग्जाम कराने वाला है मतलब एग्रीकल्चर का जो एग्जाम है आईसीआर का वो कौन कराएगा सीईटी क्लियर है ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन एडमिशन फॉर बैचलर डिग्री प्रोग्राम बैचलर डिग्री प्रोग्राम जितने भी हैं आईसीआर के अंडर में वो सभी सी कराने वाला है नाउ <coughs> अब हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन बुलेटिन में क्या दिया हुआ है ना देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है बेटा अबाउट एन टी ए वट इज़ एन टी एन टी ए है क्या इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है अबाउट आई सी ए आर के बारे में बताया गया है सी ई टी आई सी आर यू जी दो हज़ार तेईस और दो हज़ार चौबीस मतलब जो एकेडमिक ईयर दो हजार तेईस और दो हजार चौबीस आने वाला है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है जनरल इन्फॉर्मेशन जो सेकंड चैप्टर है इसमें टोटल ट्वेंटी फाइव पेज की इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज़ की है एन ने अबाउट आई सी आर सी क्लियर है तो इसमें जनरल इन्फॉर्मेशन डिग्री प्रोग्राम अवेलेबल फॉर एडमिशन ट्वेंटी थ्री एंड ट्वेंटी यूनिवर्सिटी वाइज सब्जेक्ट वाइज नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल फॉर एडमिशन शेड्यूल ऑफ सी वी टी आई सी आर यू जी टू जीरो टू थ्री स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर दी हुई है सिलेबस फॉर द टेस्ट एंड रिजर्वेशन पॉलिसी रिजर्वेशन पॉलिसी भी यहाँ पर बताई है उन्होंने प्रोविजन फॉर पर्सन विद बेच मार्क डिसबिलिटी पी डब्ल्यू बी डी कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशंस क्या एलिजिबिलिटी रहेगी क्वालिफिकेशन किस तरह किया जाएगा जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अपियर इन सी वी टी आई सी आर एग्ज़ाम क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एट टेन प्लस टू लेवल क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन रहेगा टेन प्लस टू लेवल पर क्लियर है एज लिमिट क्या रहेगी एज लिमिट भी इसमें बताई गई है मतलब एज लिमिट शायद अनलिमिटेड मतलब अगर कम नहीं हो सकती लेकिन ज्यादा हो या ना हो ये आगे की अपडेट के लिए हम लोग रेडी रहेंगे रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस बताई गई है कैसे रजिस्ट्रेशन करना है कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है देन एग्जामिनेशन सिटीज फॉर सीवी टी आई सी आर यूजी टू जीरो टू थ्री अप्लाइंग ऑनलाइन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह फिल करना है ये भी यहाँ पर बताया गया है नाव रेप्लिकाइंड स्टेप्स ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म मेथड ऑफ़ फी पेमेंट फी पेमेंट के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू नोट प्रोविजन ऑफ आधार आपकी जो आई डी प्रूफ्स होते हैं उसके बारे में भी यहाँ पर डिटेल डिस्कस किया गया है नेक्स्ट कंडक्ट ऑफ द एग्जामिशन एग्जामिशन कंडक्शन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट्स कैंडिडेट के लिए जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शनस uh, होते हैं वो भी यहाँ पर बताए गए हैं नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोविविटेड मटेरियल्स एंड अनफेयर मीन्स ये भी रिजल्ट एंड काउंसलिंग के बारे में भी इसमें इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्लियरली मैंशन है ओके okay? नेक्स्ट अगर बात करें तो <laughs> यहाँ पर अगर बात करते हैं बेटा अबाउट एन सबसे पहले बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको एन के बारे में पता ही नहीं है एन के बारे में पता ही नहीं तो एन है क्या एक्चुअली द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ स्टेब्लाइज द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एज एन इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस एंड सेल्फ सेल्फेंट प्रीमियर टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन अंडर सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट एटीन सिक्सटी फोर दंड एफिस क्लियर है तो ये एन टी एर ऑब्जेक्टिव क्या क्या है ये हम पर. उसके बाद आईसीएर क्या है वट इज आईसीएर आईसीआर बॉडी ऑफ द कोऑर्डिनेटिंग गाइडिंग एंड मैनेजिंग रिसर्च एंड एजुकेशन इन द एग्रीकल्चर इन दर कंट्री अंडर दिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंट ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन चेयर बाय डॉक्टर एस राधा कृष्णन रिकमेंडेंगे यूनिवर्सिटी इन द कंट्री एज अ रिजल्ट उसका रिजल्ट रहा क्या फर्स्ट स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एस ए यू वाजेब स्टेबलाइज इन नाइनटीन सिक्सटी एट पंत नगर फर्स्ट तो यूनिवर्सिटी थी बेटा वो पंत नगर में थी और 1960 में आई थी। द द पैटर्न ऑफ लैंड ग्रांट कॉलेज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट क्लियर है इंडिया सेवेंटी फाइव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज सिक्सटी फोर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज वेटनरी हॉर्टिकल्चर फिशरीज यूनिवर्सिटीज आईसीआर आई ए आर आई सी आई एफ ई थ्री सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सी ए यू एंड एंड ऑल इसके बाद नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन एंड एक्सटेंशन सिस्टम दिस इज ऑल अबाउट आई सी ए आर आई सी ए आर के बारे में ही दिया गया है इसमें नेक्स्ट अगर पेज की बात करें बेटा सी यू ई टी वट इज़ सी यू ई टी आई सी आर यू जी जो एकेडमिक ईयर टू जीरो टू थ्री है उसमें आई सी यू ई टी आई सी आर यू जी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स क्या क्या हैं और क्या क्या आ, आ, आगे हम लोग देखने वाले हैं इन टू जीरो टू थ्री ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन सी यू ई टी आई सी आर यू जी सेल बी कंडक्टेड फॉर एडमिशन टू बी बैचलर डिग्री प्रोग्राम बैचलर डिग्री जो टेन प्लस टू के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आया हुआ है एंड अलाइड साइंस other than veterinary science other than veterinary science very important <coughs> देखिए यहां पर other than veterinary science मतलब हम पहले icr के थ्रू veterinary science के लिए भी कुछ सीट्स थी यहां पर लेकिन अब इसमें other than veterinary science बहुत क्लियरली इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दिया गया है कि यहां पर नहीं है एट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज ऑन 50 बाय 20% ऑफ द यूनिवर्सिटी सीट्स हंड्रेड परसेंट सीट्स झांसी एन डी आर ए कर्नल ये सब यहाँ पर सीट्स के बारे में बताया गया है सी यू ई टी आई सी आर यू जी दो हजार तेईस एग्जामिनेशन फॉर द एकेडमिक सेशन दो हज़ार तेईस चौबीस विल बी कंडक्टेड एट सेंटर सिटीज आइडेंटिफाइड एंड फाइनलाइज बाई एन टी एन टी ए ने ये फाइनलाइज कर दिया गया है कर दिया है कि जो एकेडमिक सेशन दो हजार तेईस और चौबीस रहेगा उसमें क्या होगा सी यू ई टी आई सी आर यू जी क्लियर है उसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड रिड्यूस द बर्डन ऑन द स्टूडेंट्स इसने क्या किया बेटा पहले क्या होता था जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं या बायोलॉजी स्ट्रीम से स्टूडेंट्स हैं या मैथ स्ट्रीम से स्टूडेंट्स हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स देने पड़ते थे आ, और इससे पहले अगर मेडिकल एग्जाम्स की बात करें जो भी बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं टेन प्लस टू उसमें पहले नीट आया था नीट से पहले भी डिफरेंट डिफरेंट वेरियस एग्जाम्स देने पड़ते थे तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने क्या किया कि एक ही एग्जाम करा दिया मतलब अगर हम एक ट्री की बात करें तो स्टेम एक है और उसमें मल्टीपल फ्रूटफुल ब्रांचेज हैं तो जो भी आपको फ्रूट जो भी अच्छा फ्रूट है या जो भी अच्छा फ्लावर है आप उसको पिक कर सकते हैं क्लियर है तो वही चीज़ें यहाँ पे दी गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में रिड्यूस द बर्डन ऑन द स्टूडेंट्स फॉर अपेयरिंग इन मल्टीपल एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन इन आई सी आर या ए यू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे एग्जाम्स देने पड़ते थे क्लियर है लेकिन अभी सिर्फ एक एग्जाम एक देना पड़ेगा और आपके लिए बहुत सारे गेट ओपन हो जाएंगे नाउ नोट रैगिंग इन यूनिवर्सिटीज एनी फॉर्म हैज बीन स्ट्रिक्टली बैंड ये आपका कॉलेज जब आप सी टी आई सी आर का एग्जाम दोगे तो उसके बाद की इंफॉर्मेशन इसमें घुस दी गई है रैगिंग uh, बिल्कुल भी स्ट्रिक्टली बैंड है उसके बाद ये जनरल uh, इंफॉर्मेशन क्या दी गई है इसमें डिग्री प्रोग्राम्स अवेलेबल फॉर एडमिशन टू जीरो टू 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 थ्री इंटू टू फोर क्लियर है तो यहाँ पर डिग्री प्रोग्राम एक, दिए गए हैं ड्यूरिंग एकेडमिक सेशन 2023-24 एडमिशन टू इलेवन बैचलर डिग्री प्रोग्राम फॉर फोर ईयर डोरेशन जो तो इसका ईयर रहेगा बेटा वो फोर ईयर का डोरेशन रहेगा टोटल इसमें इंडियन नेशनल बेस्ड ऑन द मेरिट रैंक इन सी यू जो आपको एडमिशन मिलेगा वो आपकी सी यू आई के जो मेरिट लिस्ट होगी उसके बेसिस पर आपको एडमिशन मिलेगा यहाँ पर डिग्री प्रोग्राम फॉर एडमिशन यहाँ पर कुछ यू डिग्री प्रोग्राम्स दिए गए हैं जिसमें बैचलर बी एस सी ऑनर्स एग्रीकल्चर बी एस सी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर बी एफ एस सी बैचलर ऑफ़ फ़िशरीज़ बी एस सी ऑनर्स फॉरेस्ट्री बी एस सी साइंस में दिया गया है यहाँ पर उसके बाद फूड न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स में दिया गया है ल्चर का दिया गया है और उसके बाद करें बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में दिया गया है बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी एंड बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में दिया गया है बीटेक बायो टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अवेलेबल इन दिस एग्जाम क्लियर है ये आपके थे प्रोग्राम फॉर एडमिशन डिग्रीज के बारे में बताया गया है नेक्स्ट यूनिवर्सिटी वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल फॉर एडमिशन किस यूनिवर्सिटी में कितनी सीट्स हैं कितनी सीट्स अवेलेबल हैं एग्रीकल्चर के लिए ये यहाँ पर बताया गया है नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल फॉर एडमिशन थ्रू सी इन डिफरेंट डिसिप्लिन एट एग्रीगेटेड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग सम नॉन प्रोग्राम ओके तो आपको अगर यहाँ पे यूनिवर्सिटी वाइज सब्जेक्ट वाइज नंबर सीट्स अवेलेबल यहाँ पर उन्होंने अपनी वेबसाइट भी डिस्प्ले की है जिसका डब्ल्यू डब्लू डॉट आई सी आर डॉट ऑर्गेनाइजेशन डॉट इन एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग हावअर टोटल नंबर ऑफ़ आई सी आर ए आई क्यू सीट्स अवेलेबल फॉर एडमिशन इन डिफरेंट बैचलर डिग्री प्रोग्राम बास फोर टू एट फाइव ये सीट्स दी गई हैं यहाँ पर नेक्स्ट शेड्यूल ऑफ सी ई टी आई सी आर दो हज़ार तेईस इसमें बेटा शेड्यूल दिया गया है जो कि शेड्यूल फॉर इंपोर्टेंट एग्जामिनेशन रिलेटेड एक्टिविटीज हैज़ बीन गिवन बिलो है कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू कीप दैम सेल्व अपडेटेड अबाउट थ्रू एंटी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन दी गई है यहाँ पर आई सी आर वेबसाइट अपडेट रहने के लिए आपको आई की जो वेबसाइट है उसको अपडेट उस पर अपडेट रहते रहना है स्टूडेंट्स को जो है डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एन टी डॉट ए सी डॉट इन दूसरी आई सी आर डॉट एन टी डॉट ए सी डॉट इन डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट आई सी आर डॉट ऑर्गना ओ आर जी एट डॉट इन क्लियर है उसके बाद शेड्यूल ऑफ सी टी दिया गया है यहाँ पर आई सी आर यू जी का ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो नाइन्थ फेफ टू ट्वेल्व मार्च टू जीरो टू थ्री में आ जाएंगे क्लियर है अप टू नाइन पी जो ट्वेल्व मार्च के इवनिंग uh, में नाइन पी तक अवेलेबल रहेंगे क्लियर है इसके बाद बात करें लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ फी थ्रू क्रेडिट कार्ड मतलब आपको फी सबमिट करने का जो लास्ट डेट है वो है ट्वेल्व थ्री टू जीरो टू थ्री अप टू इलेवन फिफ्टी पी क्लियर है उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर फी पे फ़ी का पेमें पेमेंट बाई कैंडिडेट जनरल एंड रिजर्व अदर बैकवर्ड क्लासेस की और सभी की यहाँ पर दी गई है पी डब्ल्यू वी डी ट्रांसजेंडर सभी का तो आपको जो मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए जो यहाँ पर ये यह साइट दी गई है एस टी पी एस सी ई टी डॉट सामर्थ डॉट ए सी डॉट इन पर आप पता कर सकते हैं उसके बाद करेक्शन इन पर्टिकुलर ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म ऑन वेबसाइट ओनली करेक्शन भी कर दिए गए एज पर एन टी ए पॉलिसी जो एन की पॉलिसी है उसके बेसिस पर ही आपको करेक्शन करने पड़ेंगे डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड फ्रॉम एन वेबसाइट जो एन की वेबसाइट से वहाँ पर आपको एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना पड़ेगा एज पर एन टी शेड्यूल जब भी एन टी शेड्यूल करेंगे क्लियर है डेट ऑफ एग्जामिनेशन एज पर एन टी शेड्यूल ये भी रहेगी ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा ये भी एन की साइट पर आपको मिलेगा टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन एज इंडिकेटेड ऑन एडमिट कार्ड सेंटर डेट शिफ्ट ऑफ एग्जामिनेशन ये भी आपको एज इंडिकेटेड ऑन एडमिट कार्ड क्लियर है यहाँ पर जो एडमिट कार्ड पर रहेगा वही तो मोर अपडेट्स के लिए आपको विजिट करते रहनी पड़ेगी इनकी जो साइट्स हैं वो और नेक्स्ट अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी लेर एज पर सेंट्रल आपको एक और साइट दी गई है यहाँ पर डब्ल्यू 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 डॉट एन सी बी सी डॉट एन आई सी डॉट इन ओनली इन द कैंडिडेट फॉलोइंग दिस लिस्ट में कैटेगरी मतलब कैटेगरीज के बारे में यहाँ पर बताया गया है वो इंफॉर्मेशन हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे नाउ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, टेस्ट ऑफ सी वीटी आईसीआर दो हजार तेईस फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पर विजिट करना होगा सिलेबस फॉर द टेस्ट क्वेश्चन इन द टेस्ट सेल बी बेस्ड ऑन दिलेबस प्रिस्क्राइब दी ए फॉर सी टी आई सी आर यूजी पहले अगर हम सिलेबस के डिटेल में बात करें बेटा तो आईसीआर का जो सिलेबस होता था वो इलेवंथ प्लस ट्वेल्थ होता था क्लियर है और उसमें एग्रीकल्चर कंपल्सरी था ठीक है एग्रीकल्चर था उसमें लेकिन अभी हमारे पास थोड़ा सा कंफ्यूजन है और सिलेबस को लेकर बहुत सारी नई नई बातें आपको पता करनी पड़ेंगी कि आ, उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर दो जाते अवेलेबल ऑन वेबसाइट्स जो सिलेबस अगर आपको देखना है तो सीवीटी की वेबसाइट है समर डॉट ए सी डॉट इन तो क्योंकि सीवीटी करा रहा है और सीवीटी में ट्वेल्थ का सिलेबस ऑनली ट्वेल्थ का सिलेबस ही है तो मे बी क्योंकि इसको अपडेट आता रहेगा आई का भी अपडेट आना बाकी है क्लियर है तो इसमें सिलेबस को लेकर थोड़ी सी आपको अभी कन्फ्यूज़न हो सकती है लेकिन हम इस कन्फ्यूज़न को बहुत ही जल्दी लीज करने वाले हैं सी टी आई सी आर यू जी का जो सिलेबस है वो सी वी टी का ट्वेल्थ का सिलेबस है तो आई सी आर में क्या आई सी आर या एग्रीकल्चर के लिए क्या होगा हम मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है इसकी यहाँ ये यह पूरी रिजर्वेशन पॉलिसी दी हुई है नेक्स्ट कैटेगरी रिजर्वेशन फॉर रिमोट एंड अंडर प्रिविलेज्ड स्टेट के बारे में दिया गया है यहाँ पर प्रोविजन फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर कुछ दिया गया है नेक्स्ट एलिजी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफ़िकेशन तो सो डर स्टूडेंट्स यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया गया है देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या दिया है आपके इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ सी ई टी आई सी आर यू जी में एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन वेरिज डिग्री प्रोग्राम इज एज़ फॉलो डिग्री प्रोग्राम फॉर एडमिशन यहाँ पर डिग्री प्रोग्राम्स दिए गए हैं इनकी एलिजिबिलिटी क्या है ये यहाँ पर दी गई है तो अगर आइए जानते हैं हम लोग डिग्री प्रोग्राम्स के बारे में बी एस सी ऑनर्स एग्रीकल्चर Uh, दिया गया है हॉर्टिकल्चर बी एस सी ऑनर्स बी एफ एस सी बैचलर ऑफ़ फिशरीज साइंस बी एस सी ऑनर्स फॉरेस्ट्री एंड बी एस सी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस बी एस सी ऑनर्स फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स बी एस सी ऑनर्स सैरिकल्चर इज़ ऑल्सो अवेलेबल यहाँ पर बी टेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बी टेक डेयरी टेक्नोलॉजी बी टेक फूड टेक्नोलॉजी बी टेक बायो टेक्नोलॉजी क्लियर है यहाँ पर अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की तो कैंडिडेट शुड हैव स्टैंड पास द क्वालिफिकेशन एग्जाम टेन प्लस टू एग्जामिनेशन के बारे में बता रहा है बेटा कि टेन प्लस टू एटलीस्ट थ्री सब्जेक्ट में उसके पासिंग मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी एंड एज एग्रीकल्चर एज अ कोर कोर्सेज उसमें क्या क्या रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी एग्रीकल्चर उसके कोर सब्जेक्ट रहेंगे नेक्स्ट है कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू अपियर इन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डिफरेंट देन अगर इन इनसे डिफरेंट कुछ कोर्सेज होते हैं आपके टेन प्लस टू में तो वो कैंडिडेट अलाउ नहीं होगा इस एग्जाम के लिए नेक्स्ट द कैंडिडेट मस्ट अटेम्प्ट ओनली दो सब्जेक्ट इन द एग्जामिनेशन एज पर द चॉइस गिवन इन द एप्लीकेशन फॉर्म

क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एट टेन प्लस टू लेवल पर दिया गया है पर, exam, 10 2 में क्या क्या, क्या, -क्या सिलेबस होना चाहिए तो सीवीटी आई सी आर यू जी टू जीरो टू थ्री इंडियन नेशनल कैंडिडेट सुड है सेकेंडरी एग्जामिनेशन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और एनी

मतलब इंग्लिश आना बहुत जरूरी है है ना नाउ प्लीज नोट दैट आईसीआर यूनिवर्सिटी विल नॉट बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर डेनियल

नो रिलैक्सेशन इज एडमिशन रिगार्डिंग द मिनिमम एज मतलब आप 16 इयर्स से कम हैं तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा एनटीए इज द एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी एनटीए जो है उसका उसने अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस या एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का प्रोसेस यहां पर दिया दिया हुआ है

अप्लाइंग ऑनलाइन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर एप्लीकेशन जो फॉर्म होगा बेटा वो ऑनलाइन मोड से होगा अगर अदर देन ऑनलाइन मोड अगर आप किसी भी मोड से अगर फिल फॉर्म फिल करते हैं वो एप्लीकेबल नहीं होगा क्लियर है यहाँ पर रेप्लिका एंड स्टेप्स ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म उसकी कोई भी रेप्लिका नहीं चलेगी फॉर्मेट स्टेप टू कम्प्लीटेड सिक्वेंसिलेबल अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो उसका पूरा कंप्लीट फॉर्मेट दिया गया है इस साइट पर जो कि सीवीटी की साइट है सी डॉट सामल डॉट ए सी डॉट इन मेथड ऑफ फ़ी पेमेंट यहाँ पर फी uh, पेमेंट का मेथड दिया गया है कैसे आपको फ़ी फिल करनी है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू नोट यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं एनओ बोला है एप्लीकेशन फॉर्म अदर देन ऑनलाइन मोड सेल नॉट बी एक्सेप्टेड जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ऑनलाइन मोड के अलावा कोई भी मोड एप्लीकेबल नहीं होगा आपका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड से ही आ, फिल किया जाएगा ओके एनटीआईसीए सेल नॉट बी हेल्ड रिस्पांसिबल एनटी या आईसीआर रिस्पांसिबल नहीं होगा इनकरेक्ट एड्रेस एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी आप इनकरेक्ट एड्रेस फिल करते हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स के बारे में अगर बात करें तो यहां पर क्लियरली मेंशन है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर देयर ऑन विच कैन नॉट बी चेंज लेटर बाद में उसको चेंज नहीं किया जाएगा कैंडिडेट्स नॉट गिव पोस्टल एड्रेस मोबाइल नंबर ई मेल और कोचिंग सेंटर्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म

Uh, इसके अलावा अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा क्लियर है चैप्टर फाइव के बारे में इसमें एडमिट कार्ड फोर सीवी टी आई सी आर के बारे में दिया गया है एडमिट कार्ड जब आपका आएगा तो वो सी पर आएगा इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ दी गई है कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड द इंस्ट्रक्शंस ऑन द एडमिट कार्ड केयरफुल एंड फॉलो देम ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन जिस टाइम आप एग्जाम दोगे तो वहां पर कुछ आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए हैं उनको केयरफुली पढ़ना है नॉट ओनली दिस एग्ज़ाम हर एग्ज़ाम में आपको एडमिट कार्ड पर जो इंस्ट्रक्शन्स दिए गए होते हैं वो क्लियरली पढ़ने होते हैं ओके okay? तो अगर बात करें डेट ऑफ डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड फॉर द विल भी अनाउंस्ड ऑन द एन टी वेबसाइट डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी एन टी ए की वेबसाइट्स पर जो कि सी टी डॉट सामर डॉट ए सी डॉट इन है नाउ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो कि आपको सी टी सामर डॉट सामर डॉट ए सी डॉट इन पर ही मिलेगी प्रोविटेड मटेरियल्स एंड अनफेयर मीन्स दिया गया रिजल्ट एंड काउंसलिंग प्रोसेस दिया गया चैप्टर सेवन जो है इसमें आपके इंफॉर्मेशन बुलेटिन में चैप्टर सेवन इसमें क्या दिया गया रिज़ल्ट एंड काउंसलिंग के बारे में दिया गया डियर स्टूडेंट्स प्रोसीजर एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट रिजल्ट का डिक्लेरेशन कैसे होगा ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर दी गई हैं और आपको ये वेबसाइट को तो बहुत अच्छे से समझ लेना है कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन सी ई टी आई सी आर से रिलेटेड आएगी वो इस वेबसाइट पर आएगी इसके अलावा हम भी आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे टाइम टू टाइम प्रोसीजर ऑफ ऑनलाइन यहाँ पर दिया गया है इसकी वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट आई सी आर डॉट ऑर्गेनाइज डॉट इन इन यहाँ ये आपकी वेबसाइट दी गई है नाउ यहां पर लीगल ये सब दिया गया लीगल इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर दिए गए वेरी इंपॉर्टेंट डोमिसाइल्स स्टेट यूनिवर्सिटीज यहाँ पर और उनके कोर्स दिए गए हैं नेम ऑफ द स्टेट और यूनिवर्सिटीज नंबर कोड यहाँ पर दिया गया है सभी यूनिवर्सिटीज के बारे में स्टेट और यहाँ पर कोड क्लियर है लिस्ट ऑफ आई सी आर एग्रीगेटेड बैचलर डिग्री प्रोग्राम और कॉलेज ऑफ सी इसमें जो बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए कॉलेज हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं अगर बात करें यहाँ पर यूनिवर्सिटीज के बारे में ईयर्स ऑफ स्ल्स रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी में है जो 2014 में स्टेबलाइज हुई थी पीरियड ऑफ एग्रेडेशन ये है इसका कॉलेज ऑफ़ एग्रीकल्चर आर एल बी सी एू झांसी बैचलर डिग्री प्रोग्राम यहाँ पर बी एस सी एग्रीकल्चर है बी एस सी ऑनर्स एग्रीकल्चर है यहाँ पर नक्स्ट अगर बात करें रानी लक्ष्मी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बाद कॉलेज ऑफ हॉटीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री झांसी में है बी एस सी ऑनर्स फॉरेस्ट्री है जहाँ पर बी एस सी ऑनर्स हॉर्टीकल्चर है राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर बिहार में है बेटा ये कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग समस्तीपुर बीटेक एग्रीकल्चरिंग यहाँ पर ही है और उसके बाद बेसिक साइंस एंड ह्यूमनिटीज समस्तीपुर में है ये बीटेक बायोटेक्नोलॉजी से कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर डोली मुजफ्फरपुर में है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर मतलब बिहार में भी बहुत सारे कॉलेज हैं क्लियर है नाउ न्यूमेरिकल न्यूमेरिक कोर्ड्स फॉर क्लास ट्वेल्थ स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम यहाँ पर कोड दिए गए हैं आपके स्कूल्स के क्लियर है यहाँ पे स्कूल के कोड दिए गए हैं उसके बाद इंडिकेटिव एंड टेंटेटिव लिस्ट दी गई है यहाँ पर यहाँ पर जो नेम ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ टोटल यूनिवर्सिटीज़ दी गई हैं आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ में उनके कांटेक्ट नंबर है और यहाँ पर ईमेल आईडीज भी दी गई हैं पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की क्लियर है बहुत लंबी लिस्ट है लिस्ट ऑफ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ विच यूटिलाइज एन टी ए फॉर दर यू जी एडमिशन यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कुछ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है जो कि एन टी ए स्कोर के बेसिस पर एडमिशन देंगी नेम ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ पालमपुर में है डॉक्टर वाई एस पी यू एच एफ सोलन में है और कर्नल जबलपुर बागलगोट इसमें ये यूनिवर्सिटीज़ दी गई हैं So, dear students, this is all about information bulletin of CUET ICR exam through academic year 2023 and 24. For more information, you can also visit www.rajunans.ac.in. स्लैश सी यू ई टी क्लियर है आपको यहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सी ई टी से जितनी भी सी यू ई टी आई सी आर से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन आई आप कमेंट बॉक्स में आ, आ, अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं और आप डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं पी एस पी डी डिविजन ऑफ रेजुनेस थैंक यू फॉर वॉचिंग